आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेसिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलके काम करना है, ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सेक्रीफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेसजनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूंगा और आगे बढ़ेंगे,
सब मिलके ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता, और असलियत में उनके चरित्र को चार शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है, खोखला चना बाजे घना। तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बना। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। Press the bell icon on the YouTube.